एल्विश यादव के साथ शूटिंग सेट पर एक बहुत ही बड़ा हादसा हुआ था, और इस बार इस हादसे का जो बयान है और जो भी चीजें, यह हादसा कैसे हुआ और क्या हुआ, खुद ही सुनिएगा उनकी जुबानी इस वीडियो में, और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फीफा फूज और मैं हूं आपका अपना दोस्त और होस्ट गणेश कांत। अगर ऐसे देखा जाए भाई, एल्विश यादव को जनता का बहुत ज्यादा प्यार और समर्थन तो मिल ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ उनको जनता बहुत ज्यादा पसंद भी कर रही है। आपको बता दूं कि इस समय अगर देखा जाए तो भाई एल्विश यादव ऑलरेडी बहुत सारी चीजों से घिरे हुए हैं। ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है कि भाई उनके खिलाफ कोई नेगेटिव पीआर कर रहा है, और ये सारी बातें बहुत ज्यादा हवा पकड़ रही हैं, और इन सभी चीजों पर बहुत ज्यादा बात हो भी रही है, लेकिन हम इसको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि भाई जिस तरीके से ये सारी चीजें उठकर आ रही है, सारी चीजें हमारे सामने आ रही है, ये बहुत बड़ा एक सवाल उठ रहा है कि भाई ये क्या चल रहा है आखिरकार। लेकिन उसी के साथ साथ आपको बता दूं तो भाई एल्विश का जो ब्लॉग है वो चल रहा है और म्यूजिक वीडियो कर रहे हैं वो, अभी जल्दी कोई रियलिटी शो भी करने वाले, उनका नया गाना भी आ रहा है छोरे हरियाणा वाले गाड़ देंगे लठ। फिलहाल मैं आपको सुनाऊं तो भाई एक ऑडियो है जो एल्विश यादव ने खुद भेजा है, मैं पहले आपको ऑडियो सुना देता हूं और उसके बाद जो है हम बात करेंगे इसके आगे कि भाई क्या हुआ है एक्चुअली में और क्या कहना चाह रहे हैं एल्विश इस ऑडियो में, ये आप सुन सकते हो। भाई जल्दी दे गए, जल्दी ना एक रील डाली मैंने अभी, वो देख क्या हो उसमें पता है क्या है, उसके बाद की स्टोरी बताता हूँ क्या करा। भाई जो रशियन नाच रहे ना मेरे साथ में, इनने गाइस मुझे धक्का दे दिया, मुझे पानी में खींच लिया अपनी गैल। तुमने तो पता ही है तुम्हारा भाई फिर कैसा शरीफ आदमी है, मैं हम निकल के चुप गया था, अपने तोलिया लेगा मगर भाई मगर जी छेड़ा मतलब नाचना ही नाच घर जा। ये आपने खुद सुना ऑडियो, भाई फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएगा हमारे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।